अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटी खानदान, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हम भी ठीक हैं। बस ये अचानक से मेरे हस्बैंड ने रात में मेरे बेटी को पेपर की तैयारी करवा रही थी, तो उन्होंने कहा चलो शॉपिंग पे चलते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग पे। मोस्टली मैं ग्रॉसरी शॉपिंग पे नहीं जाती क्योंकि मुझे बहुत ही फेडअप हो जाती हूँ वहाँ जाके और तंग हो जाती हूँ। ऑनलाइन में ऑर्डर कर देती हूँ उन चीज़ों को, लेकिन आज हस्बैंड ने कहा नहीं आप हमारे साथ चलो और साथ में कुछ आउटिंग भी हो जाएगी, कुछ खा पी भी लेंगे। तो बस फिर सबसे पहले मेरे हस्बैंड की फेमस जगह जो बचपन से जहाँ ये जाते थे दिल्ली मुस्लिम हैदरी की मार्केट की तरफ, ये एक बहुत ही ऑथेंटिक जो है खाने की जगह है। बचपन से ही मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पर आते हैं और खाते रहते थे और उन्हें यहाँ की निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी हम हैदरी आते हैं यहाँ की निहारी ज़रूर ट्राई करते हैं। यहाँ पे फ़िश इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत बड़े पैमाने पे लोग फ़िश का काम करते हैं, बनाते हैं फ़िश और फ्राई करते हैं और देते जाते हैं पूरा एक बहुत बड़े पैमाने पे। अब इन्होंने बना लिया, पहले ये एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी और आज ये माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी बड़ा सेटअप लगा लिया है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट डेवलप करते हैं और ऑथेंटिक इनका टेस्ट होता है। मेरे हस्बैंड बताया करते थे कि जब भी हम शॉपिंग पे जाते थे ईद पे या ईद से पहले किसी भी ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाते थे, मैं अपनी अम्मी अबू के साथ जाता था तो ज़रूर दिल्ली मुस्लिम पे आके खाना ज़रूर खाया करता था और यहाँ की सबसे फेवरेट मेरी निहारी है। तो वो अपनी बेटी को बस खिलाने के लिए ले आए और बेटी को भी इनकी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने जल्दी जल्दी ये एक निहारी ऑर्डर की क्योंकि उसके बाद जाके शॉपिंग भी करनी थी। और ये ऑलमोस्ट रात के 9 बज रहे थे जिस वक्त हम निकले थे और पहुँचे यहाँ पर 9 बजे। बस खाना स्टार्ट किया अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि अल्लाह का नाम पढ़ना ये बहुत ही बाबरकत और इसमें जो है फरावानी का बायस है। कहते हैं ना कि जिस खाने के जिस तरह की वाइब्स होती हैं, जो खाना जिस तरह बना रहा था, अगर उसकी उस वाइब से बचना चाहें तो हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए और जो है खाने के इख्तिताम पर सूरह इखलास भी पढ़नी चाहिए। उससे खाना जब तक हमारे पेट में रहेगा जिक्र अज़कार करता रहेगा और हमें नेकी की तौफीक मिलती रहेगी। तो बस ये हम खाना खाना स्टार्ट कर रहे थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने खाने का इफ्तिताह किया और फिर खाना शुरू किया हमने। मेरी बेटी बार बार थम्स अप दिखा रही है कि उसे बहुत पसंद आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको भी बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग मीठा खाने के लिए चले गए, जो वही उनकी ऑथेंटिक जो है फेमस जगह है जहाँ ये बचपन से जो है हमेशा से मीठा खाते आए हैं, अहबाब स्वीट्स हैदरी की तरफ है। तो ये वहाँ गए और वहाँ पर इन्होंने कहा चलो आज कुछ न्यू मीठा ट्राई करते हैं, आज मैं सिर्फ नॉर्मल फालूदा नहीं मंगाऊंगा, आज मैं डिफरेंट फालूदा मंगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे बस चेक इन कर रही थी, सब देख रही थी, इन बिटवीन मैंने देखा कि यहाँ पे एक पाव भाजी की रेड एप्पल की तरफ जो है एक पाव भाजी का काउंटर भी इन्होंने लगा दिया है जो कि बहुत फेमस हो गया है। और हमने यहाँ से जो है आइसक्रीम फालूदा शिकारपुरी जो प्याला है वो ऑर्डर मेरे हस्बैंड ने किया। मैं तो वहाँ पे वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी, तो उन्होंने शिकारपुरी प्याला ऑर्डर कर दिया कि आज मैं ये ट्राई करूँगा, इनका ये न्यू मेन्यू में ऐड हुआ है। तो बस हमने ऑर्डर किया और फिर ये आ गया झटपट से और हमने ऐसे ही खाना शुरू किया। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने कहा तुम खा के देखो, मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया, तुम खा के देखो ये कैसा लगता है। तो बस मैंने इसे ट्राई करने का स्टार्ट किया, तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरे ट्राई करने का बस तरीका ये होता है कि जब तक इसके ऊपर ये नट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं तब तक मैं ये खाऊंगी और जब ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर मेरा इस आइसक्रीम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है। तो बस ये आइसक्रीम नीचे फालूदा, बस मैं इसकी जो है इंस्पेक्शन कर रही थी कि क्या क्या है इसके अंदर, और खाने में मसरूफ़ थी मैं और वीडियो भी साथ साथ बनाती जा रही थी। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने कहा मैं जब भी आऊँगा अब मैं ये लाजमी बनाऊँगा खाऊँगा। और बस फिर उसके बाद हम किफ़ाया स्टोर चले गए। स्टोर जा रहे तो हम इम्तियाज़ थे, लेकिन हम जब भी इम्तियाज़ जाते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। जिस ब्रांच पर हम जाते हैं वो नियरली हमारे करीब है, वहाँ इतना ज़्यादा रश होता है कि मैं और मेरी बेटी बहुत फेडअप हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और वहाँ पे बिलिंग के भी कुछ इश्यूज़ वगैरह होते हैं जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वहाँ पे बिलिंग वगैरह करते हैं, रश इतना होता है ना, फिर वो बिलिंग करने में काफ़ी जो है कोताही बरत देते हैं कि कभी बिल ज़्यादा, कभी दो दो क्रेट की पेप्सी का वो क्रेट लगा देते हैं, 4,000 का, कभी 2,000 का, इस तरह बहुत ज़्यादा हमारे साथ हो चुका है ना। तो हम बिल देखते भी उसके बावजूद भी इस तरीके से हो जाता है, तो हमने मुनासिब यही समझा कि इस बार हम किफ़ाया जाएँ। तो बस हम किफ़ाया में आ गए थे, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, इवन अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया है,
यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ब्रांडेड भी थी और हर तरह का पाकिस्तानी ब्रांड हमें यहाँ पे मिला। जो हम जो जिस तरह की चीज़ें हम चाह रहे थे वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे प्रोवाइड थी। एक ही शटर के नीचे हर चीज़ जो है मिल रही थी हमें, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो यूटेंसिल्स हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, चाहे हाउस होल्ड आइटम्स हो और चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी आइटम्स हो, हमें सारे आइटम्स मिल रहे थे। इन्होंने सबसे पहले जो इनका फेवरेट जो जगह है, सबसे पहले इनको केचप और मेयोनीज़ की पड़ी रहती है, ये इन्होंने वो लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पास्ता की तरफ गए, पास्ता वगैरह लिया। मैं आपको साथ साथ और लोग भी बता रही। अच्छा, ये यहाँ पे इन दोनों की डिस्कशन ये चल रही है कि मुझे इस बार रामेन नूडल्स खाने हैं, कोरियन नूडल्स खाने हैं। बस फिर उन्होंने इनको दिलाए और ये लोग बस एक्सप्लोर करने पे लगे हुए। तो मेरी बेटी तो डोरा बनी हुई थी एक्सप्लोर करने वाली। बस मैं साथ साथ जो है वीडियोज़ भी बनाती जा रही थी और इनके शॉर्ट्स भी लेती जा रही थी। और ये यहाँ पे बताना ये चाह रही हूँ कि चाहे कभी भी हम कहीं भी बाहर आएँ, ये मेरे हस्बैंड जो है बेटी को जो है प्रिंसेस ट्रीटमेंट फील करवाना नहीं बंद करवाते। बस ये रुक गए यहाँ पर और इसकी फेवरेट आइटम की जो बुक है वो लेना शुरू हो गए। अब ये इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, कौन सी लूँ कौन सी लूँ, बारबी प्रिंसेस लूँ, मोटू पतलू लूँ, डोरा लूँ, कौन सी लूँ, इन दोनों की ये डिस्कशन चल रही थी। मैंने कहा भाई जल्दी से कोई भी पिक कर लो एक, आपको कलर ही करने, और जबकि इनके पास ऑलरेडी इतनी सारी हैं। लेकिन नहीं, इनके बाबा ने इनको दिलानी थी, इनकी नज़र इस पर पड़ गई, बस इन्हें ये लेना ही था। फिर इन्होंने बस देखना शुरू कर दिया और फाइंड करती जा रही है किसके ऊपर सबसे अच्छे स्केचेस बने हैं और किसके ऊपर मैं अच्छा सा कलर कर सकती हूँ। बस ये लगी हुई पड़ी थी देखने के लिए कि कौन सा वाला अच्छा है। फिर आखिरकार जो है इन्होंने इतनी तको दो मेहनत करने के बाद बाप बेटी दोनों लगे हुए थे कि कौन सा वाला इसमें से चॉइस करें। बच्चों की जो है ना उनको चॉइस के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जो है बच्चे जो है अगर हम उनको इस तरह डिसीजन लेने की डिसीजन मेकिंग के अंदर हम उनको जो है अपॉर्चुनिटी देंगे तो उनको जो है अच्छा आगे बड़े होके ना उनके अंदर और कॉन्फिडेंस डिवेलप होगा ना। तो बस यही लगे पड़े थे। अब इन्हें ये डोरेमोन पसंद आ गया कि मैं डोरेमोन लूँगी। बस इसी तको दुख में फिर मैं तो चली गई अपनी हाउस होल्ड आइटम्स देखने के लिए कि क्या नई नई चीज़ें आई हुई हैं। बस मैंने थोड़ा सा विंडो ही शॉपिंग की है, मैंने एज सच कुछ लिया नहीं यहाँ से। बस फिर देख रही थी कि काफ़ी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ना इन्होंने अब इसे भर दिया है किफ़ाया स्टोर को। बाकी ये ब्रांच मुझे बहुत अच्छी लगी और ये इसका जो स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा लगा। एंड तक जो है इन्होंने सपोर्ट किया, एंड तक हमें जो है गाइड करते रहे और यहाँ तक कि ट्रॉली एंड तक जो है ना इन्होंने हमारी उसे लुक आफ्टर किया। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स पड़े हुए थे, हर चीज़ आपको यहाँ पे मैसर थी। और ये भाई डर रहे थे मैं वीडियो बना रही, बस जल्दी जल्दी अंदर हो गए कि बस मेरी वीडियो में शक्ल ना आ जाए, बस जल्दी से मैं और बाकी चीज़ें ये बनाने में स्टार्ट करने में लगी पड़ी थी। और ये लेडीज़ का फेवरेट जो है सेक्शन आ गया है भाई, यहाँ पे सारे अच्छी अच्छी क्वालिटी के अंदर पड़े हुए थे बैग्स, और जो है 4000 से लेकर उससे अबव तक भी थे। और यहाँ पे बैक पैक्स भी पड़े हुए थे बच्चों के, इसे मैंने थोड़ा सा स्लो करके लगाया है। काफ़ी अच्छे मुझे इनके जो है बैग्स वगैरह लगे थे और इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मुझे दिल चाह रहा था बस सारे ही मैं ले लूँ, लेकिन मैंने एक भी नहीं लिया क्योंकि मैंने अभी ही ये जो है बेटी के लिए बाय किया था और अपने लिए भी। और ये सारे बैग्स जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे लगे मुझे। और सूथिंग इन्वायरमेंट था, अच्छा इन्वायरमेंट था, इंसान तरीके से जो है ना शॉपिंग कर ले। और यहाँ पे पूरे हमने बस कर ली जब शॉपिंग, बस चेकआउट हो रहा था, चेकआउट करते करते फिर हम लोग जो है निकले, बस जल्दी जल्दी चेकआउट किया और बाहर की तरफ आए। बस ये मेरे हस्बैंड जो है सामान रखने में मसरूफ़ हैं, बस हम लोग ट्रॉली से सामान उठा के रख रहे थे। बस दूसरा दिन जो है स्टार्ट हो गया, मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ रही थी। बताना इसलिए ज़रूरी है कि सुबह सुबह हमें अपने सप्लिकेशन ज़रूर करने चाहिए, इससे हमारी सारा दिन प्रोटेक्शन रहती है, अल्लाह तबारक तआला की रहमत व बरकत हम पर नासिल होती है। बस मैं सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर रही थी, जुमे का दिन भी था और जुमे के दिन सूरह काफ शरीफ भी पढ़नी चाहिए साथ साथ। वही मेरा जो पर्सनली फेवरेट व्यू है वो मैं इंजॉय कर रही थी और जो है पढ़ती जा रही थी और देखती जा रही थी, सूरह यासीन शरीफ पढ़ती जा रही थी, अल्लाह ताला की जो है कुदरत के नज़ारों को देख रही थी कि अल्लाह ताला ने हम पर कितनी रहमत बरकतें नाजिल की हैं, इतना अच्छा मौसम हमें अता फरमाया है, अच्छा घर, अच्छा दिन, अच्छी जो है ज़िंदगी नसीब फरमाई है। और हमें बस ये मैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर दी बिकॉज आज फ्राइडे था। और फिर उसके बाद कपड़े प्रेस करने के बाद दोबारा से मैंने जो रह गए थे मेरे सप्लिकेशंस वगैरह मैंने दोबारा पढ़े। सूरह नासिर फलक की फजीलत आपको पता है कि ये पढ़ने से सारा दिन सुबह से शाम तक जो है कोई आफात व बलियात नहीं आती, नजरें बद नहीं लगती। इसी तरह आयतुल कुर्सी की भी यही फजीलत,
आयतुल कुर्सी पढ़ी, दुरूदे तुंजीना पढ़ा, बिकॉज जुम्मा था और ये मैं हर रोज़ की मेरी रूटीन है। बस अल्लाह ताला मेरी यही रूटीन बरकरार रखे। अहदनामा पढ़ा साथ में दुआएं अमन होती है, वो भी इसके साथ लिखी हुई होती है, अटैच होती है, तो वो भी मैंने पढ़ी। बस फिर साथ साथ जो ग्रॉसरी लाई थी उसको मैं अब जो है ना कहा बस समेट के रखूँ, क्योंकि रात में मैं इतना थकी हुई आई थी कि मैंने कुछ भी जो है काम नहीं किया। बस इसी तरीके से शॉपर्स को रख दिया था। अब मैं यहाँ ढूंढ रही थी अपनी चीज़, एक ढूंढ रही थी यहाँ पे और वो मिली नहीं। फिर मैंने सारा बजट जो है बनाया डायरी के अंदर कि क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं और क्या क्या रहते हैं और क्या क्या लाना है और क्या क्या आ गया है। बस वही उसी की मैं बना रही थी। यही आज का बस व्लॉग था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको पसंद आया होगा। बस अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिए ताकि मेरी यूट्यूब ब्लॉग्स और जो न्यू वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देती रहें। और कोई भी आपके कमेंट्स हैं या कोई भी सजेशंस वगैरह हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंप्रूवमेंट अपनी वीडियोज़ में लाती रहूँगी। इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करती रहिए। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।